नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे के मुसाई राम रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सूरज बली सिंह सावन माह में देश की भलाई और अपने परिवार के कल्याण के लिए मुसाई राम रेस्टोरेंट में महामृत्युंजय जाप करवाया, जिसमें परमानेंट 5 आचार्यों द्वारा 135,000 मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूरज बली सिंह की भवबाधाओं को समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय जाप करवाया। और सूरज बली सिंह का कहना है कि हम जो महामृत्युंजय जाप करवाया, जिसमें से कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत दें। आइए सुने क्या कह रहे हैं आचार्य शिवम तिवारी। एमपी न्यूज़कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। और ये क्यों करवाते हैं लोग? देखिए, ये महामृत्युंजय जप बाबा महाकाल के लिए होता है जी। इस जप कराने से लोगों के जो माध कुंडली में माधकेश होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। जितने भी अकाल मृत्यु होती है वो सब भवबाधा कट जाती है और इससे धन सुख संपत्ति लक्ष्मी सबकी प्राप्त होती है। घर में सुख संपत्ति शांति सब बनी रहती है। ये महामृत्युंजय जाप कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनकी विधियाँ क्या है? देखिए, ये बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ी विधियाँ हैं और बहुत ही इसमें नियम पालन का करना जरूरी होता है। इसमें कुछ ये है कि इस जप का बड़ा ध्यान दिया जाता है। इस जप में आदमी को बड़ी शुद्धता और स्वच्छता का करना चाहिए। कोई भी मतलब गंदगी इसमें नहीं होनी चाहिए। आप एकदम शुद्ध तरीके से जब भी इस द्वार के अंदर आए तो आप बड़ी शुद्धता से नहा धो के और अच्छे तरीके से पूरा इसमें शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। मेन इसका यही है। इसमें कितने आचार्य बैठते हैं और इनका मंत्र उच्चारण जो है जो होता है इसका शुरू और अंत कैसे? देखिए, इसमें तो आचार्य आप संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें इस अभी भैया जी के सूरज बली भैया जी हैं साईं होटल से तो हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें तो हमारे 5 ब्राह्मण काम करते हैं जब कर रहे हैं जी। 5 ब्राह्मण द्वारा हम ये महामृत्युंजय जब पूरा करेंगे जी। और इसमें आप 7 दिन का टाइम लगता है जी। 13 तारीख से शुरू हुआ ये और अभी आज इसका समापन है। 7वां दिवस है आज जी। और आज इसका शाम को भी हमारा आचार्य जी एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये 7 दिन के महामृत्युंजय जाप में आप कितने मंत्रों का उच्चारण? 7 दिन में लगभग ये मानिए कि 135,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये इसकी जब संख्या है इससे 125,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए इसमें। तो 7 दिन में ये संख्या पूरी की जाती है। आप अगर 5 दिन का कराएंगे तो फिर आपको ब्राह्मण बढ़ाने पड़ते हैं। फिर आप 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण इसके हिस्से करके फिर आप कम दिन भी। आपका सुपरिचय जी? आपका परिचय जी? हमारा नाम शिवम तिवारी है जी और हम यहीं खागा में। Yeah.
भाई इसी में तो सब कुछ है, महामृत्युंजय जाप से, तो उस चीज को कह सकते हो जितना उस टाइम दिमाग। एक मंत्र का उच्चारण त्रयंबकं जयाः।